आज तो बैसाख के संगठन में बड़ी संख्या हो गई। इतनी संख्या तो पहले कभी हुई नहीं थी संगठन में। तैयार हो रहे हैं, असुरों के भी चेहरे तैयार हो रहे हैं और देवताओं के भी चेहरे तैयार हो रहे हैं। असुर और राक्षस तो एक ही बात हो गई। राक्षस दैत्यों को कहा जाता है, दिति की औलाद दैत्य कहे जाते हैं। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। दिति कहा जाता है खंडित को, खंडित होता है उनका। उनकी प्योरिटी खंडित हो जाती है, उनका पुरुषार्थ खंडित हो जाता है, इसलिए उनको दैत्य कहा जाता है। आदिति की प्योरिटी अक्षुण्ण बनी रहती है और उससे पैदा होने वाले जो देवताएं हैं उनकी भी प्योरिटी अक्षुण्ण बनी रहती है, तो पुरुषार्थ भी सजीव बना रहता है, खंडित नहीं होता है। और नई दुनिया में ऊंच पद पाए लेते हैं। विश्व का मालिक बनने वाला होता है या जो भी नंबरवार विश्व के मालिक बनने वाले होंगे, वो पहले फुल बैगर बनते हैं ईश्वरीय सेवा में, या साहूकार होते हैं ब्रह्मा बाबा की तरह है? फुल बैगर बनते हैं ईश्वरीय सेवा में, तन भी सारा ईश्वरीय सेवा में अर्पण, धन तो ज्यादा होता भी नहीं, तो भी बाबा कहते हैं कि कोई के पास 1,000 रुपए हैं और कोई के पास 10 करोड़ रुपए हैं। 10 करोड़ वाला 10 करोड़ लगाएगा और 1,000 रुपए वाला 1,000 लगावेगा, तो दोनों का मर्तबा बराबर हो जाएगा। तो देने में कठिनाई किसको होगी? 10 करोड़ वाले को ज्यादा कठिनाई होगी या जिसके पास 1,000 रुपए की जिंदगी भर की कमाई की टूटी पूंजी हो उसको ज्यादा कठिनाई होगी? 1,000 रुपए वाले को कोई कठिनाई नहीं, गरीबों को अर्पण करना बहुत सहज होता है। जो साहूकार होते हैं उनकी तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है मोस्टली, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में से अलग होना बड़ा मुश्किल होता है। तुम बताया
कि बाप तो गरीब निवाज है, गरीबों को आकर के विश्व की बादशाह ही देते हैं। उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार ब्राह्मणों ने समझ लिया कि बाबा ने आकर दादा लेखराज को विश्व की बादशाह ही दे दी। फिर तो भगवान झूठा साबित हो जाता है। फुल बैगर टू फुल प्रिंस गाया हुआ है। ईश्वरीय सेवा में जो विश्व कल्याण के लिए जितना हवन करते हैं, जितना स्वाहा करते हैं, जितना अर्पणमय होते हैं, उनकी मन बुद्धि उतनी ही साफ दर्पण बन जाती है, बड़ा दर्पण बन जाती है। उसमें ज्ञान धन समा जाता है और जिसमें जितना अभी ज्ञान धन समाता जाएगा, इसी जीवन में आगे चलकर कि ये साबित हो जाएगा कि दुनिया वाले कारखाने वालों की, बड़े बड़े धंधे धोरी करने वालों की, बड़े बड़े ऑफिसरों की, बड़े बड़े मिनिस्टरों की उतनी महिमा नहीं करेंगे, आयजान नहीं करेंगे जितना ज्ञान रत्न वालों की आयजान करेंगे। बाप ने बोला हुआ है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। अभी ये प्रश्न पैदा होता है कि ये ज्ञान धन स्थूल रत्न कैसे बन जावेंगे, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर ऐसा टाइम आने वाला है ये प्रश्न प्रश्न ही नहीं रह जाएगा कि ज्ञान धन लेने वाले कैसे दुनिया के बड़े से बड़े साहूकार बन जाने वाले। और बाप ने तो बच्चों के सामने इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते ही 5 ईयर प्लान रख दिया। बाप कब प्रत्यक्ष हुआ है? 76-77 में आते ही 5 ईयर प्लान शुरू हो जाता है। 76 है प्रत्यक्षता वर्ष और 77 है संपूर्णता वर्ष। संपूर्ण बैगर और 5 ईयर प्लान शुरू हो गया। 78, 79, 80, 81 और 82। 82 में 5 ईयर प्लान पूरा होता है और सैंपल के रूप में बाबा सामने रख देता है कि जो ब्राह्मण परिवार में फुल बैगर था, बैगर के पास तो कुछ भी न हो, धन पद मान मर्तबा घर कुछ भी न हो, ऐसा बैगर जो सैंपल में भी बैगर और 5 वर्ष के बाद फुल बैगर से ऐसा प्रिंस बन जाता है कि कोई के दरवाजे पर उसको जाने की दरकार नहीं होती है, भले सब उसके दरवाजे पर जाएं, लेकिन उसे कोई से भीख मांगने की दरकार नहीं होती है। बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो अपन को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं,
परंतु बाप को नहीं जानते। वो भी दुनिया के सामने हाथ फैलाते हुए देखे जाते हैं। रायल रूप में भीख मांगते हुए देखे जाते हैं, परंतु बाप के ज्ञान रत्नों को धारण करने वाला बच्चा कोई से भीख मांग ही नहीं सकता। तो सैंपल सामने होते हुए भी ये प्रश्न पैदा हो जाता है, ये ज्ञान रतन स्थूल रतन कैसे बन जावेंगे? अगर एक के लिए ये बात साबित हो सकती है तो अनेकों के लिए साबित नहीं हो सकती। अनेकों के लिए भी साबित होने वाली है। बाप के जीवन में जो घटनाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं माला के मणके बनने वाले नंबरवार बच्चों के सामने भी आवेंगी। उन परीक्षाओं से बच्चों को पास होना पड़ेगा, तब कहा जाएगा फुल बैगर तू फुल प्रिंस। इसमें अचंभे की बात ही नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान रतन स्थूल रतन कैसे बन जावेंगे? हाँ, यहाँ जो ज्ञान रतन है उन ज्ञान रतनों की चोर बाजारी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। जो चोर बाजारी करते हैं और चोर बाजारी के आधार पर बड़े बड़े साहूकार माने जाते हैं ज्ञान रतन के, लोग समझते हैं ये तो ज्ञान में बड़ा होशियार है। फिर कुमार का दादी उसे पकड़ लेती है। सूरज भाई का नाम सुना? कौरव गवर्नमेंट ऐसों को पकड़ती रहती है। तो सारा लिटरेचर, सारी BCDs जब्त कर ली गई। फिर आज की दुनिया में ऐसे ऐसे भी हैं, जैसे UTI में विस्फोट हुआ था, UTI की बड़ी बड़ी बैंकों को जिसने चकमा दिया था, वो पकड़ा गया कि नहीं? UTI फेल हुई या नहीं? ऐसे यहाँ भी होता है तो वहाँ भी होता है। बड़ी प्रश्न आया है, यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, बड़ी माँ और
छोटी माँ। बड़ी माँ को जगदम्बा कहा जाता है, सारे जगत की अम्बा, जगत अम्बा। और छोटी माँ को भारत माता कहा जाता है, सारे जगत की अम्बा नहीं है लेकिन सिर्फ छोटा सा एक देश है। आज की दुनिया के बीच में जैसे एक कोना दुनिया का, उस भारत की माता, भारत की अम्बा। तो प्रश्न ये है कि दोनों माताओं के बीच में कौन सी माता थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी। उस समय संगम युग कहेंगे, पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे या कलयुग कहेंगे, मृत्युलोक कहेंगे या अमर लोग कहेंगे, उस समय कौन सा युग चल रहा था। अरे कलयुग ही चल रहा था, मृत्युलोक ही चल रहा था। मृत्युलोक कहे कलयुग कहे, कलयुग में जो गाल बजाना ज्यादा जानते हैं मुख से बातें बड़ी बड़ी करना जानते हैं उनका मान मर्तबा ज्यादा होता है, या जिनमें धारणा शक्ति ज्यादा होती है उनका मान मर्तबा ज्यादा होता है। किसका ज्यादा मान मर्तबा होता है, तुलसीदास ने तो लिख दिया पंडित सोई जोई गाल बजाबा कलयुग में, तो समझ लेना चाहिए कि यज्ञ के आदि में माताएं तो दो थी, जिनमें एक थी जगदम्बा, जिसके लिए मुरली में बोला है जगदम्बा ही महाकाली का पाठ बजाती है। तो जब महाकाली का पाठ बजाती है तो जीव लंबी होती है या छोटी होती है, है? लंबी जीव वाली होती है। और वो महाकाली का पाठ अंत में प्रत्यक्ष होता है कि आदि में प्रत्यक्ष होता है, है? अंत में प्रत्यक्ष होता है। और बाबा ने बताया जो आदि में जो अंत में, आदि में ब्राह्मणों की छोटी सी दुनिया थी इसलिए कोई को पता ही नहीं चला जगदम्बा कौन है। तो समझ लेना चाहिए कि मम्मा बाबा को अपने प्रभाव में रखने वाली कौन सी अम्बा होगी, है? जगदम्बा ही थी, सारे जगत की अम्बा। तो ब्रह्मा की भी अम्बा हुई कि नहीं हुई, है? ब्रह्मा की भी अम्बा थी। बड़मूला ट्रायंगल में हद में क्या है, है? उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो सागर है उस सागर का नाम है अंध महासागर। कौन सा सागर है? अंध महासागर, अंधों का महासागर। और ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे धृतराष्ट्र का पार्ट कौन सा है?
जिन्हें बाप दिखाई नहीं पड़ा, ना आदि में दिखाई पड़ा, ना अंत में दिखाई पड़ा। बाबा मुरली में बोलते रहे अंधे की औलाद, अंधे। जो बाप को जानते ही नहीं, गुप्त पार्ट बजाने वाले महारथी पांडवों को पहचानते ही नहीं, वो अंध महासागर में अमेरिका के नजदीक, उत्तरी अमेरिका के नजदीक इस सागर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ ऊपर से जो भी जहाज जाते हैं, एरोप्लेन हो चाहे पानी के जहाज हो, पनडुब्बियां हो, वो सब अंध महासागर में समा जाती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने वो क्षेत्र वर्जित कर दिया है, उस क्षेत्र से कोई भी जहाज, न हवाई जहाज न पानी का जहाज उस क्षेत्र से नहीं गुजरेगा। इससे साबित हो गया कि प्रकृति ज्यादा पावरफुल है आज की दुनिया में भी, या साइंटिस्ट ज्यादा पावरफुल है आज की दुनिया में भी। प्रकृति बहुत पावरफुल है, साइंटिस्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मुकाबला कर सकते होते तो पता लगा लेते कि वहां अंध महासागर में ऐसी क्या चीज है जो उनके जहाजों को वहां जाने से रोक दिया। वो भूत प्रेतों का बड़ा अड्डा है, उन भूत प्रेतों में सबसे बड़े से बड़े भूत का नाम क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म राक्षस। वो ब्रह्म राक्षस जब एडवांस ज्ञान में आ जाता है तो बड़ा भयंकर हो जाता है। एडवांस ज्ञान में आने के बाद उसका ट्रायंगल एडवांस पार्टी का जो अड्डा है, जहाँ से एडवांस ज्ञान निकला है, एडवांस ज्ञान जहाँ से विस्तार को पाता है, कौन सा स्थान है? यूपी में भी कहाँ? वो कांपेल्ले नगर बेहद की दुनिया का बड़ा मूला ट्रायंगल है। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो बिंदी की याद में बड़े तीखे हैं, बैठ जाएंगे। वो भी वहां जाने से चकराते हैं।
अपने बड़े बड़े आत्मा रूपी एरोप्लेन को वहाँ भेजने से डरते हैं, उन्हें डर रहता है कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारा एरोप्लेन ही वहाँ जाकर के डूब जाए। हाँ, भारत में फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट का राज है, इसे भेद कर। पचहत्तर में पचहत्तर से पहले भी कांग्रेस का राज्य था। पचहत्तर में इमरजेंसी लगी, जब इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय कांग्रेस का राज्य पलटने की बारी थी। गुजरात से जनता पार्टी का जो फाउंडेशन डालने वाला कहा जाए, जय प्रकाश नारायण, वहां से निकला और उनका सहयोगी बना श्री कृष्ण मुरारी देसाई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो ही दोनों आत्माएं, जनता पार्टी की शुरुआत करने वाली बनी। उसे जनता पार्टी कहे या ज्ञानता पार्टी कहे या एडवांस पार्टी कहे, क्या कहे, जो बाप को जानता तो ही जानता पार्टी। और एक साल के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट हट गई और जनता पार्टी का राज्य स्थापन हो गया। अभी सारे भारतवर्ष में पौरव गवर्नमेंट का बोलबाला हो गया। और जनता पार्टी जैसे कि क्या हो गई है, जैसे कि ना के बराबर। क्योंकि जनता पार्टी में विघटन हुआ है या नहीं हुआ, अच्छा एडवांस पार्टी में विघटन हुआ है या नहीं हुआ, एडवांस पार्टी में ढेर की ढेर शाखाएं निकल गईं, जो विष्णु पार्टी के नाम से भारतवर्ष में विख्यात हो गई। और जनता पार्टी में से भी ढेर के ढेर निकल गए संगठन, जो जनता पार्टी बिखर गई। तो जो बिखर जाते हैं उनका राज्य कैसे कायम हो जाएगा। कांग्रेस का राज्य कायम हो गया, तो
आश्चर्य क्या देखने में आ रहा है? जो बाहर की दुनिया में हो रहा है वो अंदर की दुनिया में भी हो रहा है। हिंदी में उसका नाम क्या रखा है? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की। हाँ, बाहर की दुनिया में जो अंबेडकर की पूजा करने वाले हैं, किसकी पूजा करने वाले हैं? अंबेडकर की पूजा करने वाले हैं, उनका नाम पड़ा है बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा, बसपा, और उनकी मुखिया है मायावती। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंबा ऐड कर क्या, अंबा को गवर्नमेंट में ऐड करो, अंबा का राज्य चाहिए। उसको फॉलो करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में भी माया वाली, वती माने वाली, माया वाली, मायावती माना उसकी मुट्ठी में माया आ चुकी है, उसकी मुट्ठी में। मायावती की बुद्धि में, मायावती की मुट्ठी में माया आ चुकी, अर्थात माया ने उस अंबा से हाथ मिला लिया। अब जतवाणी में आया था क्या, माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, और वो कहाँ की रहने वाली है? मायावती यूपी की है। तो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी मायावती कहाँ की है? है यूपी की है। ज्यादातर ब्राह्मणों की दुनिया में जितनी भी विष्णु पार्टी बनी है वो सब उसको फॉलो करने वाली है। यूपी से निकला है, ऊंचा को भी देखना चाहते थे, यूपी से निकला। ऊंचा, ऊंचा से ऊंचा। हाँ जी, ऊंचा से ऊंचा देखना भी है, यूपी से निकला। ऊंचे से ऊंचा माने नेहरू जी, जो आज की स्वतंत्र भारत में ऊंचे से ऊंचा कौन हुआ? नेहरू जी ने जितना लंबे समय तक राज्य किया, इतना लंबे समय तक शांति पूर्वक राज्य कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया, तो ऊंचे से ऊंचा हुआ नेहरू जी। और अभी तो पार्ट चल रहा है, अभी नीचे से नीचा तो निकलने वाला है। जो तब प्रत्यक्ष होगा, जैसे ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में
डूबी जा डूबी जा। जो नीच पार्ट बजाने वाले हैं उनकी शूटिंग हो गई, पांव दबा करके दबो देते हैं, इतने नीचे हैं, ऐसे नीच पार्ट बजाने वाले हैं। जब ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में भी ऐसा पार्ट चलता है कि जो नीच पार्ट बजाने वाले हैं उनकी डूबी जा हो जाती है, और ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाला बुद्धियों में प्रत्यक्ष हो जाता है, एडवांस वालों की बुद्धियों में। ऐसे ही अंत में भी होगा क्या है? अंत में तब होगा जिसके लिए मुरली में बोला है, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में खुल जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। अभी बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है। हो रहा है, है? लाखों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़े? नहीं, करोड़ों की तादाद में भी नहीं छपने लग पड़ी न लाखों की तादाद में। लाखों की तादाद में सेंटर्स भी नहीं बने अभी, लेकिन लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी और उनकी कंट्रोलिंग राज करेगा खालसा। कौन से धर्म में खालसा माने जाते हैं? जो सिख धर्मों की बीज रूप आत्मा है उसके हाथ में सारा राज्य आ जाएगा। अब जब अंत में भगवान प्रत्यक्ष होगा तो डूबी जा हो जाएगा। अभी माउंट आबू में सनसेट पॉइंट की यादगार थी या सनराइज पॉइंट की यादगार थी? सनसेट पॉइंट की यादगार थी। अभी वहीं अचलगढ़ में सनराइज पॉइंट का भी फाउंडेशन पड़ गया है। अंत में वो सूर्य सारे संसार में उदय होगा। जिस समय उदय होगा, सूर्य उदय होता है तो सूर्य पहले निकलता है या लाल लाल जीभ लपलपाती हुई महाकाली पहले निकलती है? लाली माँ पहले निकलती है। तो सारी दुनिया में उस लाली माँ का राज्य हो जाएगा। पर जब सूर्य उदय होगा बाहर आएगा तो लाली माँ की भी डूबी जा हो जाएगी। झूठ की दुनिया का अंत और सत्य की प्रत्यक्षता हो जाएगी। रुद्रमाला में सारे जगत के बीज नहीं है? सब धर्मों के बीज नहीं है? असली आप कितनों को मानते हैं? है?
आप असली 108 की जो रुद्रमाला है राजाओं की माला, उसमें आप असली कितनों को मानते हैं? 25 को है? सूर्यवंशी तो उसमें 12 ही हैं, 12 हैं चंद्रवंशी, 12 हैं इस्लामवंशी, 12 और वंशी ना? माला की बात हो रही है, प्रजा की बात नहीं हो रही है। तो प्रश्न क्या है? पच्चीस कहाँ असली सूर्यवंशी? तो असली कौन है उसमें? अरे 2.25 जो सूर्यवंशी हैं वो ही असली हैं, कि बाद में चंद्रवंशी ऐड किए गए वो वंशी हैं असली? अभी तो बताया अम्बा ऐड कर, अम्बा बाद में ऐड की जाएगी कि पहले ही ऐड की जाएगी? अम्बा के बच्चे तो चंद्रवंशी हैं या सूर्यवंशी हैं? है चंद्रवंशी हैं। तो नंबर 2 के हुए या अव्वल नंबर हुए? अल्लाह तो आकर के अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करता है। अव्वल दीन माने अव्वल नंबर धर्म। अव्वल नंबर धर्म है सूर्यवंशी। हाँ आदि समय कब आया? आदि समय कब बोलेंगे? जब सत्ययुग का आदि तब कहे जब कम से कम एक पारिवारिक इकाई ऐसी तैयार हो जाए जिस पारिवारिक इकाई का एक भी मनुष्य आत्मा झूठ वंशी न हो। सच्ची हो, पक्की सूर्यवंशी हो। कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली ना हो। किसी और को बाप बनाने वाली ना हो। एक बाप, दूसरा न कोई। अभी तो बाप की घोषणा है, एक बाप की ही घोषणा है ना। विनाश सामने खड़ा हुआ है, लेकिन अव्यक्तवाणी में बोला है ऐसा टाइम आएगा। जो पूछते हैं कि विनाश कब होगा, तो विनाश की डेट वही होगी जब सब विनाश से निश्चिंत तो हो जाएंगे। तो सब विनाश से निश्चिंत हो गए माना निश्चय बुद्धि हो गए या अनिश्चय बुद्धि हो गए? है अनिश्चय बुद्धि हो गए। आठ का ही परिवार बचेगा। जो फिर भी कहेंगे विनाश सामने खड़ा हुआ है, जिनके सामने विनाश दिखाई पड़ेगा वो याद में ढोल मजीरा बजा के नहीं बैठेंगे। गीत लगा के नहीं बैठेंगे, रेडियो लगा के नहीं बैठेंगे। नए नए गीतों की धुनें लगा के गीत याद में नहीं बैठेंगे।
एक आदमी कहता हूँ बिना सामने खड़ा हो और डांस कर रहा है, गीत गा रहा है, ढोल बजा रहा है, मजीरे बजा रहा है, तो लोग मानेंगे ये सही बात कह रहा है, है? नहीं मानेंगे। तो जब दुनिया निश्चिंत हो जाएगी कि बिना सिना से कुछ नहीं होने वाला है, तो दुनिया अपनी मस्ती में रहेगी। हाँ, सबसे ज्यादा मस्ती कौन सी चीज में आ रही है? अरे दुनिया के जितने भी पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, उन पदार्थों में सबसे ज्यादा मस्ती की चीज कौन सी दिखाई पड़ रही है? अरे टीवी और कंप्यूटर, सब मस्त हो जाएंगे। और है? खाने पीने में भी मस्ती चढ़ी हुई है। सही बात है, कौन खिचड़ी खाए जाके? इससे तो अपने घर में रहना अच्छा, बढ़िया बढ़िया माल बना के खाते रहो। भले यज्ञ में माताओं की कितनी भी कमी हो, और कन्याओं को तो वैसे ही आजकल पेट में मार डालते हैं, कन्याओं को यज्ञ में दे दिया तो क्या बड़ी बात है? Oh, sorry.